अरे सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में वही स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, वो तो 15% स्वर्ण, वही तो 2% वाले कब्जा है, कौन 2% वही जो विदेशी मुल्क है, देश में लागू है, तो जो भी इस देश में रहता है वो देश का नागरिक है, कोई विदेशी नहीं है, इसलिए तो लोग बचे हुए हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम मौजूद है और यहाँ पर हमारे और भी कुछ साथी जिससे हम लोग बात करेंगे। कहाँ से आए सर? हम लोग बिहार से हैं। सर बिहार में कौन से जिले से आए? मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। साइकिल आए हैं आज दिल्ली में? हम लोग जो आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो क्रिमिनल जो लगाया है, जो कि हम लोग को बांटने का काम किया, इसके विरोध में हम लोग आए हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वर्गीकरण जो किया गया है वो गलत है? पूरा गलत है। वर्गीकरण करने से पहले जाति जनगणना होनी चाहिए। जो हम लोग 90% है, 90% जो है हम लोग को हक अधिकार जो कि नहीं मिल रहा है, ये 2% वाले 1% वाले जो है कि पूरा जो है कि 100% ले रहा है, हम लोग जो कि 90% है तो हम लोग को मिल रहा है 20% या 10%, ऐसा नहीं होगा। कौन है 1-2% वाले? वही वो लोग जो है कि जो है कि जो आज क्रिमिनल किए हैं और जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि सरकार जो है कि पिछले दरवाजा से सुप्रीम कोर्ट को जो है कि इशारा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जो है कि हम लोग को जो कि अपमानित करने का काम कर रहा है और शोषण करने का काम कर रहा है। तो आपको ऐसा ही लगता है जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियन सिस्टम लागू है वो पहले खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये अपने दादा को, परदादा को, पोता को, बेटा को, भतीजा को, समधी को, समधीनी को जो बनाता है ऐसा ही, और एसपी जिस तरह का एग्जाम देता है उस तरह का एग्जाम में बैठे और एग्जाम पास करे, उसके बाद जो है कि न्यायाधीश बने, इसके लिए जो कि हम लोग जी। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि शोषित वंचित जातियों को ईवीएस की तरह 10% अलग से आरक्षण दिया जाए, मिलना चाहिए, मिलना वर्गीकरण। एससी एसटी के जो आरक्षण में अगर शोषित जाति को दिया जाता है, नॉन जाटव, नॉन जमार, नॉन महान, जो आगे निकल चुकी जातियां, तो फिर तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ नहीं है, वही तो कह रहे हैं, जब तक ले आप जाति जनगणना नहीं कराइएगा, जब तक ले जाति जनगणना आप नहीं कराइएगा, कैसे मालूम चलेगा कि आप बिहार से हैं? बिहार में तो हो गया जाति जनगणना। कहाँ हुआ है? तो आरएसएस के गोद में खेलने वाले लोग, ये बीजेपी के गोद में खेलने वाले लोग, ये झूठ वोट की राजनीति किया, वोट के पहले जो है कि जातीय जनगणना कराई, उसके बाद जैसे ही जो कि मुख्यमंत्री बना, सरकार बनी, और जो कि इस पर जो कि यही लोग जो कि आवेदन किए, जो कि ये लोग जो कि दायर किए, जो कि हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट रद्द किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सरकार के इशारों पर चल रही है। अब ये बताइए, आपका कहना है कि जो सरकार है बिहार की वो सामंतवादी है, अगर भारत में जाति का जनगणना होती है वो तो सामंतवादी सरकार है? पूरे भारत में अगर होता है, पूरे भारत में अगर जातीय जनगणना होगा तो ये सबको अधिकार मिलेगा, जो 2% वाले जो कि पूरे शासन से, प्रशासन से, सांसद तक ले जो कब्जा किए हुए हैं, तब तो मालूम चलेगा कि कौन है 2% वाले? वही जो टिक्कीधारी जो कॉलेजियम सिस्टम में बैठे, नाम सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में वही स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, वो तो 15% स्वर्ण, वही तो 2% वाले कब्जा है, कौन 2%? वही जो विदेशी मुल्क है, यूरोशिया से आए, यूरोशिया से आए, वही ब्राह्मण 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 जी, विदेशी है, मैं बोलता हूँ, मैं यूरोशियन से आया है, यूरोशिया से आया है ब्राह्मण, ऐसा आप कैसे बोल सकते? भारत में संविधान लागू है, ब्राह्मण विदेशी कैसे हो सकता है? विदेशी है डीएनए टेस्ट करवाइए, अरे डीएनए टेस्ट करवाइए, मालूम चलेगा कौन कहाँ का है। भारत में कोई ना कोई बाहर से आया हुआ है, कोई ना कोई जाति बाहर से आई हुई है? नहीं, बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू है, तो जो भी इस देश में रहता है वो देश का नागरिक है, कोई विदेशी नहीं है, इसलिए तो वो लोग बचे हुए हैं। और साहब का संविधान लागू है इसलिए वो लोग बचे हुए हैं, नहीं तो फिर क्या होता? कब का उन लोग उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम कर चुके होते हैं भैया, उन्होंने तो 3000 साल तक आपका शोषण किया, तब का उखाड़ के फेंका आपने? अभी देखिए, हम लोग पहले से मानसिक गुलाम थे, वो मानसिक गुलामी से अभी हम लोग दूर हो रहे हैं, तभी देख रहे हैं, वो भीड़ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो सब लकड़बग्घे टाइप का लोग है, लकड़बग्घे टाइप का, दूसरों को छीन के, जैसे लकड़बग्घे को देखते हैं ना, दूसरों का जैसे जो शिकार करता है और दूसरों को छीन के खाता है, वो उस टाइप का लोग है, उस टाइप का लकड़बग्घे टाइप का लोग है। भैया मुझे एक बात बताइए, आप 2-3% ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान इसीलिए तो बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ है, संविधान नहीं होता। आप भारत तो में एक जाति जो रह रही है जो कि 3-4% है, अगर आप उसको विदेशी बोलते हो तो वो भी तो आपको बोल सकता है कि आप विदेशी, वो भी बोलते हैं कि दलित अफ्रीका ने बाहर से आए, डीएनए टेस्ट करवाए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का नहीं है, वो पता चल जाएगा। डीएनए कौन बोला? दलित अफ्रीका ने? माइक मत पकड़ो। नहीं भाई, ऐसा बोलते ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया दलित अफ्रीका ने? यहाँ पर एक मिनट, यहाँ की ज्योग्राफी मतलब सिचुएशन क्या है, यहाँ के लोग गोदे नहीं हो सकते, भूमध्य रेखा भारत बसा हुआ है ना, जब वहां से खेलना पड़ती है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया करो,
हमेशा कोई मतलब ये ऐसे अंधभक्ति में मतलब चूज ना करो। जब यहाँ इकेरना पड़ती है, साथ के लोग ज्यादा काले होते हैं, कश्मीर के लोग गोरे होते हैं, हमारे यूपी और मध्य प्रदेश के लोग काले गोरे की बात नहीं। बात यार, आप बोलो, क्वेश्चन सुना करो पहले। मैंने क्या कहा कि वो जो सोशल मीडिया पे तुम 2% जिनको विदेशी कह रहे हो, वो लोग कहते हैं कि तुम भी अफ्रीकन हो, दलित हो, ये कह रहा हूँ मैं। अरे हम लोग तो डीएनए टेस्ट कराओ ना यार, अपना डीएनए टेस्ट कराओ, वहाँ के लोगों का हमारा डीएनए टेस्ट कराओ। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जो जंगल में रहता है वो मूल निवासी है ना। हम संविधान के बाद तो सभी यहाँ के मूल निवासी हो गए ना भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मैं बात से सहमत हूँ कि संविधान के बाद सब बराबर हो गए। तो सब बराबर हो गए तो भाई आपके बाद जो पहले से आपने हक अधिकार मारा था, 3000 साल से शोषण किया था, सब जब आजाद आजाद आजाद, तो आप उसे वर्गीकरण कर रहे हो, कहाँ मिल रहा है आरक्षण? सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मतलब नौकरियां जो रेलवे में थी, आपने रेलवे आज तक का रिकॉर्ड है, जब से 1857 से रेलवे का निर्माण हुआ है, आज तक घाटे में रेलवे नहीं रही। लेकिन आपने रेलवे को हटाने के लिए बेच दिया, आपने अंबानी के लिए मतलब तमाम प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नौकरी है कहाँ? जो कुछ तकलीफ, पूरी पूरी तकलीफ है, पूरी तकलीफ ये है कि अगर आप जब कोरोना का टाइम आया था तो आप सर जो जितने भी प्राइवेट अस्पताल थे सब लोगों ने अपने अपने जान की वजह से सबने सरकारी अस्पताल हमला बंद कर दिए थे, और जो सरकारी अस्पताल थे वो खुले हुए थे, और जो जो पुलिस थी सरकारी वो हुई मतलब चालू थी। इसलिए सरकारी बहुत जरूरी है, अगर सरकारी देश के अंदर संस्था रहेंगी तो जनता के लोगों की बात सुनोगे। सुनिए, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है भारत में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं, तो सबसे बड़ा खतरा होना चाहिए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये ना कि हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हो। सबसे बड़ा खतरा दलितों को ये है प्राइवेटाइजेशन से, क्योंकि आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है। वो चंद्रशेखर जी ने कहा है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण चाहिए। वो आपको, आप सब क्वेश्चन को जवाब मैं दूंगा, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब आप, हमने बिल्कुल कह रहा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं उनको प्राइवेट नहीं किया जाए, उनके जितने भी सरकारी मतलब बैकअप पड़े हुए हैं, जो जॉब पड़े हुए हैं। सरकार तो कह रही है कि प्राइवेट करने से फायदा होगा देश का। यार फायदा नहीं होगा ना, फायदा होगा 15% लोगों के, 3% लोगों के पास संपत्ति चली जाएगी। आज का भी ब्यौरा है, जो 80% लोग हैं उनके पास मात्र 10% मतलब संपत्ति है, और जो 10% लोग हैं उनके पास 90% संपत्ति है। इसके बराबर करो ना, इसके संसाधन है, जहाँ बंदर का है, चाहे एयरपोर्ट है, आपने लखनऊ से एयरपोर्ट से लेकर के मध्य प्रदेश का एयरपोर्ट से लेकर सब तुमने मतलब प्राइवेट कर दिए। एयरपोर्ट नहीं हुआ है, स्टेशन हुआ है रानी कमलापति, समझिए? तो उनको, उनके सबको प्राइवेट कर दिया, तो उनको सरकारी बोलो ना। ये नहीं है, वहाँ पर भी हमारे लोग ही कर्मचारी करेंगे, लेकिन जहाँ पर एक मतलब मिनिमम होता है कि भाई 30,000 रुपये आपको देना है सरकारी में, अगर वहीं प्राइवेट हो जाएगा तो वहीं 8-7,000 रुपये हमारे समाज के लोगों को दिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए आखिरी की, आप जिसको विदेशी बोल रहे हो, 2% बोल रहे हो, क्या वो भारत में नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, हमने नहीं कहा वो विदेश चले जाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, हमारा जितनी जनसंख्या है, हमारी जितनी आबादी है, हमारे उससे हमारा मतलब संसाधन चाहिए, उस संसाधन में हमारा हिस्सा चाहिए, जो जो जमीन है, जंगल है, उसमें हमारा अधिकार है, उसमें हमारा हमें रहने दे, देने दे चाहिए। तो वही तो बोल रहे हैं ना भैया, वही तो बोल रहे हैं कि हमें उसमें चाहिए ना। है नक्सली, जो नक्सलवादी बने हुए हैं लोग, मैं उनको समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ उनको जंगल दो ना, अगर वो जंगल की मांग करते हो तो, वो क्यों मतलब नक्सलवाद बने हुए हैं? अगर आप ये बात कहते हो कि प्राइवेट से फायदा हो रहा है, तो प्राइवेट से फायदा तो यार आप सरकार छोड़ क्यों देते? आपने नहीं चल रही है तो सरकार, आपने लाल किला भी डालमी ग्रुप को मतलब दे दिया, बस कितना रेवेन्यू आता है पता है आपको? इतना बड़ा रेवेन्यू आता है जिसका कोई जवाब नहीं, वो चीज़ें कभी भी घाटे में नहीं जाती हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जितनी सरकारी संस्था हो सके उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहल करी जाए, और जो भी मतलब सरकारी बैकअप मतलब खाली पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियाँ, वो सबकी सब भरी जाएँ।